इस वीडियो में देखने वाले अपने फ़ोन से गूगल आईडी या ईमेल आईडी या प्ले स्टोर आईडी डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो में देखना बहुत आसान वैसे बताएंगे अपने फ़ोन से गूगल आईडी डिलीट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक ज़रूर करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में देखने वाले अपने फ़ोन से गूगल आईडी को डिलीट कैसे सकते हैं। अगर आप गूगल आईडी डिलीट कर देते हैं तो आपका प्ले स्टोर आईडी भी डिलीट हो जाता है और क्रोम आईडी डिलीट हो जाता है, काफ़ी सारा यूट्यूब आईडी भी डिलीट हो जाता है, काफ़ी सारा आईडी डिलीट हो जाता है। मतलब उसको डिलीट करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस हमारे इस वीडियो का स्टेप बाय स्टेप देते रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। सबसे पहले गूगल आईडी को डिलीट करना है, यहाँ गूगल को ओपन कर लेते हैं। गूगल आईडी यहाँ देखने को मिल जाता होगा, यहाँ गूगल पर जैसे ही क्लिक करते हैं थ्री डॉट, यहाँ आपको लोगो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ लोगो पर क्लिक करेंगे, लोगो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं मेरा गूगल ओपन हो चुका है, बस इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपके फ़ोन में आईडी होंगे ऑटोमेटिक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मेरे फ़ोन में एक आईडी है, आपको एक ही आईडी देखने को मिलता होगा। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस हमारी इस वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखते रहेगा। यहाँ हम लोग यहाँ इसको काट देते हैं। जैसे यहाँ काट देने के बाद आपको एक सेटिंग का देखने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ का काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा गूगल का, गूगल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कोई भी सेटिंग देखने को नहीं मिलेगा डिलीट करने का आईडी को। आपको डिलीट करने के लिए अकाउंट एंड साइन इन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गूगल, गूगल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने का देख सकते हैं यहाँ मोर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो भी आपके फोन में ईमेल आईडी होंगे गूगल पे क्लिक करेगा, जितने भी आपके फोन में ईमेल आईडी होंगे ऑटोमेटिक आपको देखने को शो होने को मिल जाएगा। जो आप ईमेल आईडी को डिलीट करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी पे क्लिक करेगा, आईडी पे क्लिक करने के बाद यहाँ कॉर्नर पे मोर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आपको जस्ट नीचे मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम लोग को मोर का ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाएगा, यहाँ मोर पे हम लोग क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साइन नाउ, उसके बाद एक रिमूव अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल आईडी है ऑटोमेटिक गूगल आईडी, यूट्यूब आईडी सब ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ऐसे अपने ईमेल आईडी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहां से डिलीट कर सकते हैं। यहां साइन अप पे क्लिक करेंगे तो जितना बैकअप होगा ऑटोमेटिक यहां बैकअप हो जाएगा। इसको डिलीट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, यहां रिमूव अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहां रिमूव कर देंगे। जैसे ही रिमूव करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यू आर श्योर, मतलब आप अपने डिवाइस मतलब ईमेल आईडी को सच में डिलीट करना चाहते थे। हम लोग डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा, ड्रॉ योर पैटर्न, मतलब हम पैटर्न लॉक लगाए हैं तो यहाँ पैटर्न लॉक क्लिक करेंगे। अगर आप अपने फ़ोन में पासवर्ड लॉक लगाए हैं तो पासवर्ड लॉक क्लिक करेंगे। जो भी अपने फ़ोन में लॉक लगाए हैं इसको अपना लॉक डाल देंगे। जैसे ही लॉक डाल देते हैं कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पहले गूगल दिखता था, यहाँ गूगल आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो भी हमारा आईडी था यहाँ डिलीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग बैक कर देंगे, यहाँ हम लोग बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अपने गूगल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं गूगल ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ कोई भी आईडी देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई आईडी देखने को नहीं मिलता। यहाँ देख सकते हैं पहले लिखता था ईमेल आईडी, यहाँ से ईमेल आईडी उसमें से रिमूव हो चुका है। इसको आईडी बनाना चाहते हैं आपको आई बटन में चैनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ऐसे आप यहाँ पे आईडी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।